नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का मंडी भाव एडवाइजर में। किसान भाइयों, आप लोग के लेके आ चुका हूँ अदरक के बाजार भाव। किसान भाई, आज दिन है रविवार, तारीख है 23 अक्टूबर 2022। दोस्तों, अभी चला है धनतेरस और इसकी वजह से दोस्तों मंडियाँ काफ़ी समय तक चल रही है और अदरक में दोस्तों कहीं ना कहीं तेजी भी देखने को मिल रही है। तो आज जानेंगे महाराष्ट्र, केरल और हिमाचल प्रदेश की मंडियों के भाव। किसान भाई, आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि अदरक के जितने भी भाव आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और किसान भाई, क्योंकि अदरक के विषय नहीं और सटीक जानकारी आप लोग को इस चैनल से आती रहती है, तो किसान साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ही देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर अवश्य करना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आज के भाव अदरक के क्या भाव देखने को मिले तीनों स्टेटों में। बात करेंगे महाराष्ट्र के, जहाँ पर जलगांव 3500 रुपये, श्रीरामपुर 3500 रुपये, रामटेक 2800 रुपये, औरंगाबाद 4400 रुपये, रोहतक 4500 रुपये, पुणे 3900 रुपये, पुणे 3000 रुपये, नागपुर 4000 रुपये, मुंबई 6500 रुपये, कांथी 4000 रुपये, वाई 3500 रुपये, रत्नागिरी 4500 रुपये, कराट 3000 रुपये, अमरावती 5500 रुपये, इस्लामपुर 3000 रुपये भाव देखने को मिले। हिमाचल प्रदेश की मंडी की बात करें, कुल्लू 4500 रुपये, चौल चौक 3000 रुपये, ऊना 6000 रुपये। हम बात करेंगे केरल के मंडियों में, जहाँ पर दोस्तों कुल्लम 4800 रुपये और कोटाकरा 10000 रुपये भाव देखने को मिले। तो दोस्तों, ऐसे ही अदरक की जानकारी पाने के लिए और ऐसे सटीक जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।